ऑनलाइन गाने की भूमिका है साथियों, यह विरहा में सुना रहा हूँ गीता त्यागी के मुकाबले यूकी कैसेट कंपनी के सौजन्य से, और चार लाइन गाने की भूमिका है क्या? लग गई दाग सुरसर की धारा में भी, शर्म से आज हिमगिर भी झुक ही गया, धर्म की बात भी व्यर्थ होने लगी, ज्ञान का सागर भारत में सूख ही गया, कभी घर की लक्ष्मी रही नारियां, आर सम्मान पे तन जला ही दिया, सात सौ हर के जौहर सजाती रही, अपने भारत की गरिमा बचा ही लिया। वाली का तर्ज बाजन हमारे मास्टर साहब बजा रहे हैं क्या? मेरा नाम लिख के दिल से मिटाया कीजिए, कभी लिखला का या चल की अपनी गरिमा को, या चल की अपनी गरिमा को बचा के तू चलो, लक्ष्मी बाई के बाद को, लक्ष्मी बाई की बात को सजा के तू चलो, आंचल की अपनी गरिमा को बचा के तू चलो, यहाँ से कहानी की शुरुआत हो गई मेरे साथियों। कभी लिखे हैं क्या कि कभी सीतायन सुहिया हिंद का सिंगार रही, आज की नारी उनकी कीर्ति को बिगाड़ रही, जिस्म को बेच धन कमाना उनका पेशा है, नाचते महफिल में पंचाली को भी देखा है, बात दिल्ली की हर दिलों को भेद देती है, चलाक कामिनी जो सबका भेद लेती है, रहता वही औधे से रमा पत्नी थी प्यारी, सदन के स्नेह ऊपर अपना दिल सदा बहक गया कदम जगी जब काम की इच्छा, बहक गया कदम जगी जब काम की इच्छा, कली कल काल में वह भूल गई प्रेम की बात के समझ लें, गाना समझने में भी आसानी हो जाएगी साथियों। अवधेश का पत्नी रमा, और जब अवधेश के घरे रमा आइलिन है, अपने पति के प्यार पा करके एकदम खुशी खुशी जीवन बीतत बा, लेकिन कुछ ही दिन बाद साथियों पति कमजोर था अवधेश, रमा जवानी में एकदम बुलबुल भई लहल, कदम बहक गया, और जब कदम बहक गया काम की इच्छा जगी है, कदम बहक गया साथियों, देखिए तर्ज लगल जो हम गौले लेते पति बढ़ा मास्टर था कि अरे झुमका चूमे हा हा, झुमका चूमे लगोरे गोरे गलवा नथिया बवाल कहिए बाजू बजले गलवा
कर दी इसने कही लगा कि भेज सजना के तो भेज सजना के भेज सजना के गोरिया बजरिया नजरिया तो आज करे ले हो भेज सजना के नारी अरे लेकिन कीमतिया बुझल हर जाई दूसरा के अपनी बखरिया नजरिया गवाई करे अब देखें रमा जवन बा जितने अवधेश बिचारा अपने पत्नी रमा के माने एकर नाजायज फायदा मूलचंद मास्टर उठा ले लो का उठोले तर जा गई अपने पति अवधेश के बाजार उजार भेज दे चल जा अकेल है घर पर तो हर भर नजर दौड़ावे जब नजर दौड़ावा भैया हो वही बीच में नजर लड़ गई कैसे लड़ल यहाँ तर्ज कभी धले बाटन का अरे आधी आधी रतिया का अरे आधी आधी रतिया कऊ जल अजोरिया अजोरिया है राजा बड़ा एक दिन विधा गाँव बदे हम जात ले धनबाद तनिक हमके लेट हो गए हम सोचली कि लुआ वा यही गीता त्यागी के घर में ही बीचों में रह जाए जा। तो गीता त्यागी के घरे जब रुक गली जा तो गीता त्यागी खाना वाना बनौली खाना वाना बना के वही छत पर जब सुते गैली जा तो वही जनी नहु के जौन बा मन सेधू रहलन आजोरिया रहल तो जब हमार सुत गैली जा तो साय फूस मरद मेहरारू बतियावत हन कहल कि अरे जागल हम लोग तो वह कहत रही हम सुनली तो वह गीतिया में अपने फिट गैली का कि अरे आधी आधी रतिया कहू गेले अजोरिया है राजा बड़ा दूध चाहकत चिरैया बहेलिया हो जान आपन बिछावे बहेलिया हो जान आपन बिछावे बहेलिया हो जान आपन बिछावे रमा के ललचाइल नजर वही गांव के ननकू जवान था खूबसूरत था देख लिया अपने जाल में अब रमा के फंसावे लगल भैया हो कैले का अरे हुआ खूब खेला जाल सजना बहरवा कबो कबो मिले दोनों होला खूब खेला जाल सजना बहरवा अरे कब मुले दिन कब मिले अरे लजिया लजाल न लजा तू बाबू जरिया बहेलिया हो जाल आपन बिछावे बहेलिया हो जाल आपन बिछावे बहेलिया हो जाल आपन बिछावे भैया अब चोरी चुपके जोन बा ननकू और रमा मिले लगलन कभी साजिक है कभी अन्हारे के ओकर पति जोन बाटन ई बिचारे अवधेश चल जाए जब हर हर तई दोनों चोरी चुपके मिले लगे यही तरह दोनों में प्रेम प्रसंग छिप छिप के चला लगल लेकिन एक तर्ज कवि लिखलन का अरे कैला बवाल धई के यो शिकायत गीता त्यागी अपने मन सेधु से करत रहली सुनबा कैली हम का सुनली अरे कैला बवाल धई के इस जहला काल हम ला जाय जई असैया लगल मनावे मोहल्ला इतन
में ना एक यार दू यार तीन ठे यार यही तरह फंसा करके आ जब अवधेश कहीं जाए तब तीन हूं चरह के कबो कोनो के सवेरे बुलावे कोनो के दोपहरिया में आ कबो अन्हार कर बुला करके मौज पानी ले देखा यही के कहल जाला भल का भैया अरे शंकर की संगवा बीतव दिन राती फसाए लिहनिया आ गोरी जलिया में अपन कुछ दिन ननकुर से मजा ले फिर एक और यार के फसौल फिर शंकर के फंसा करके उनसे अपन जवानी के मौज लेवे लगल हल्का कि जिंदगी का मजा नहीं पूछऊ जनाई नया नया यार लिहली कई गो फसाई भोरा दोपहरिया बोला अपन दिलावा का यसिया पुजाल 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 कभी हाथ तेरी दिलन यार जमाना कैसे कही अबला अरे जमाना कैसे कही अबला अरे झूठी हुई बात सब बदल गया कौआ का एक थे शंकर नाम का उसका प्रेमी था जौन की ये रमा के अपन रखेल की तरह बना करके रहता था जब चाहे ओकरे घर में आवत जात रहल एक दिन के घटना बात नहीं सुन ला कतहू न खड़ा कतहू झगड़ा वाह कि अरे कतहू न खड़ा कतहू झगड़ा कबो मुखिया से लोरा बहाए दिहली कभी वस्त्र सजा कभी फेंक बसन आए बेटवा के बन में पठाए दिहली तो करी क्रोध तो कंचित काल हुआ सोने का लंका जलाए दिहली अरे कभी आओ कभी स्वामी से घात कर पगली दूसरा संग से दिया सजाए दिहली भैया एक दिन अपने वही यार शंकर के साथ घर में सोई हुई थी और तब तक कहीं से अचानक उसका पति अवधेश आ जाता है आपत्तिजनक स्थिति में जब देखता है अवधेश गुस्सा के मारे लाल हो गया एक चमाचा खींच करके और अपनी पत्नी रमा को जब मारता है गुस्से में आग बबूला हो गई वह भी एक चमाचा खींच करके अपने पति अवधेश को मार देती है देखें दोस्तों जोन पति मांग में सुहाग पर होलन हो जोन मांगी में सिंदूर पिन्होलन पति जो भगवान परमेश्वर से बढ़कर जिसका स्थान होता है लेकिन नीच कमीनी गलती करती हुई जब वह एक चमाचा मारा दोबारा इसके प्रतिशोध में एक चमाचा अपने पति अवधेश को भी मार देती है यही से कहानी मूल है अब सीरियस हो जात बका बड़ गया मास्टर एक दिन खेला अवधेश देखी नहीं हो थर थर कांपे लागल क्रोध में सजना खींची के थपरवा खींची के थपरवा चलाई दिहल से गलावा पर घोरी लिहल जिंदगी में हमारी जहरा क्रोधवा में नागिनी फुफुकारत तवने घर ही आहो मारी दिहल तू साजा ना के गाले पर था परावा खाई के जहर हम मरी जाई घरावा में चली जाई बाजेल होई जिंदगी अन्हारावा
और नहीं तो अपने पति अवधेश को यह भी ताना देती है कि अभी ज्यादा बनोगे तो जहर खा करके जान दे दूंगी और फंस जाओगे जेल काटते काटते जिंदगी तुम्हारा रद्द हो जाएगी। भैया हो पत्नी की बात सुन करके बेचारा वह अवधेश शर्म के मारे आई बात सुन करके और मायूस हो गया और रखेल के तरह से वह शंकर रख लिया उसे। जब मन करे तब उसे लेकर सिनेमा चला जाता था। देखते देखते होकर दिल जौन बा बेचारा कर अवधेश कर एकदम कुंठित हो गया। रखेल सामान रख लिया है शंकर, रखेल सामान रख लिया है शंकर, ले साथ सिनेमा जाता था, अपने संग लेकर के शहरों में दो दिन तक रह जाता था। झुक जाता देख जमाना यह पर लाज न उसको आती है, दूसरे के ऊपर गरज गरज वह अपना रूप जमाती है। पड़ गई सगाई शंकर की बोली है रमा बिल खा करके, अरे जीना दुभर कर दूंगी मैं क्यों रहते हो इतना करके। भैया कुछ दिन बीतल मौज पानी ढल, धीरे धीरे शंकर का शादी हो गई। और जब शंकर का शादी हो गई शंकर के दुल्हन घर में आ गई, तब धीरे धीरे शंकर अपने दुल्हनिया पर जौन बा अब मिलजुल के अपने दुल्हन के साथ मौज पानी लेवे लगलन और रमा के अब मनोबल जन बना कर एक और तकबा न करे। तो ई बतिया रमा के अब साल लगल कि शंकर अपने दुल्हन के चक्कर में पड़ गल, अब हमसे कौन वास्ता ना रखत बा, यही जन एक तर्ज लगल। तर्ज है बा जो कभी कभी निर्गुण में लोग गावे ना, संत लोग गावे ना का गई है ना कि अरे के करा से यह तर्जा मास्टर से बजा दबा निर्गुणी की संत लोग गावे लन कैसे संत लोग गावे लन। देखा गीता त्यागी तुहरे मान के तर्जना भाई हमारी मान के तर्जबा कि के करा के रो वाला से अरे गंगा बढ़ी आई नी हक्के करा के जिया राही लो के रोवल से भिगल चुनारिया के करा के जिया राखा माई के रो वाला से गंगा बही आईली बाबूजी का जिया राही लो Thank you.
लगी काला बाल लगी गई गैया हमारा जल में डूबी गई हमारो देवरिया अरे पीछे वाली बात सोची रोवल गुजरिया अखिया से लोरा बाबा हेला दिना रतिया गावल बिरहा वाली लाग हो लगी गया चटावा टूटी गई हमारो एक दिन रमा जोन बा एक चलागी कहले बा और रमा करती है क्या साथियों इस शंकर के दुल्हन जीवन रेखा जौन रहल सारी बात उसे आकर के बताने लगी क्या बताती है तो देखा बजे गई तब बतौले बा उसे अकेले में कहा अरे आ गई शंकर का लुगाई जहिया घरवा में दुल्ही देख गई जब हर जाई जहिया घरवा में जीवन रेखा सीसा झुका के कैली खूब सवकाई हो पीछे वाली सारी बतिया दिहली दुष्ट बताई हो जाते वक्त एक फोटो तुरंत गिराई जहिया घरवा में दिहली पापिन दिल में आग लगाई जहिया घरवा में साथियों पहुंचल बा शंकर के दुल्हन देखे खातिर आज अब शंकर के दुल्हन देखे खातिर पहुंचल बा अकेल जीवन रेखा के पौले बा हाल चाल होते होते बतौले कि ये जीवन रेखा तुहार दुल्हा जोन शंकर बाटन देखिया बड़ा मंचला बाटन और इनसे सजग रहिया इनके समझा बुझा के रखिया ये लिए कि बड़ा मंचला बाटन यही गाँव में कई लोगन से इनका साथ रहल और झूठ तो से का बोली हमसे भी रमा बतौले बा कि हमसे भी इनका साथ रहल तो ए लिए इनके समझा बुझा के अपने अख्तियार में रखिया ईद झगड़ा लगा दिल और झगड़ा लगा करके जब चले लगल तो पहले के आपन और शंकर के एक साथे जोन फोटो खिंचावल हल जान बुझ के रमा धीरे से वहीं गिरा करके और चली जाती है अपने घर रमा तो अपने घरे चल गई लेकिन जीवन रेखा जब वो फोटो पवले बा देखल कि हमारे दुल्हा शंकर और रमा का ई साथे साथे फोटो बा आहा ओकरे कलेजा पर बिजली गिर गई कैले का देखें अब जीवन रेखा बेचारी अपने पति दुल्हा हा शंकर के समझावत ही ई फोटो पौले के बाद का समझावे कि अरे पति परमेश्वर सैया भोला दुनिया में ये भैया कहा लगल जीवन या जा सियावर झुका पहले करहिया भूली जइहा तू सजनवा हमरे पन्ना पकड़ के आजा रोवा बिलखा माना विश्वास नहीं होई अब न तनिया हमसे कई कभी विश्वास कहे कई लुपा गलाया शंकर समझा अपनी पत्नी जीवन रेखा को हमारे पर विश्वास करा जवन गलती हम पहले कह चुकली अब वो गलती ना होई विश्वास में अपने ले लिया पत्नी को साथियों जीवन रेखा को कितना दिन बीतल अब तनी चलता आल्हा में कर दमा चल
धीरे धीरे बीतल साल भर के समैया और रमक के सबिनिया के कुछ ना सहाया। बदचलन रमा ओकरे दिल में ई बात साला शंकर वाली की अपन दुल्हन के साथे जीवन रेखा के साथे मौज लेत बा और हमरे तरफ तकतो न बा। एक दिन फिर चाल कहिले शंकर बेचारा उसके दरवाजे से होकर के बाजार जा रहा था। कहिले का कि अरे ये कदी न शंकर के घर में बुलावा न से अरे जीवन रेखा सोचा ली गई लसनिया भुलाया धवा में सजना से कहली सारी बतिया अरे कहे बदे हमारा के लिहला बोलाया अरे धोखावा से रमाय कदिन कैला सा उपाया अरे तिहली मिठाया जहर में मिलाया। भैया हो जब बाजार जा रहा था अपने दरवाजे पर से इशारा करके शंकर को बुलावला और जब अंदर गईलन है शंकर पूछला का जरूरत हो कहला कौनो जरूरत ना बच्चा ये तो ना तोकर काम रल झगड़ा लगावत ई बतिया घर में जात शंकर के और देख लेहले बा उनकर पत्नी जीवन और जब देख लेहला कहला सैया ई फिर ओकर साथे तू ओकर साथ पकड़ लेहला। भैया हो इतना ना सोचला रमा की ये तरह जोन बा ई जीवन ना मानी। एक दिन मिठाई में जहर मिला करके साथियों और उसके घर जाती है और उपहार में देती है। वह मिठाई जब खैले बा जहर ओकरे शरीर में भिनल बा और जब जहर शरीर में भिनल जीवन बेचारी जीवन मौत से जूझत बा। वही समय का भाव कवि लिखलन एक बात का अरे रस्या कामी संधई के आत्महत्या रोवई के पड़ी भैया सीता और सावित्री वाली जो है के पड़ी जब मिठाई खैले और जहर भिनल बा बीमार पड़ गई उठा करके ले करके लोग गईलन हैं अस्पताल में। यहर रमा सोच लेला कि अब तो मरी जाई जाकर थाने पर खबर कैले बेचारे पकड़ा करके जौन शंकर जेल में गईलन लेकिन बाहर भगवान का मर्जी कि दवा इलाज भैल बेचारी जब होश में आ गई हो ठीक भइल हो वो जीवन तब बयान देले बा। बयान के तौर पर जौन बा पुलिस आई और ओके पकड़ करके रमा के ले गई ई जेल में गई और वो बेचारे का छुट्टी भइल। तो कवि लिखलन एक बात का कि भैली जवाई जीवन रेखा बची गईली यानी बयान तब जमानत जाके भैली रमा में रमवा इज्जत अपन खोवई के परी रहिया सीता और सावित्री वाली जो है के परी। अब रमा जेल में गई और बेचारा शंकर के जेल से छुट्टी भइल तब आसना की जलवा में गोतावा लगाई बा जिनकी जवाल होई फिर पछताइया नरक में जाके तुहके एक दिन रोवई के पड़ी आ रही आ सीता और सावित्री वाली होवे के पड़ी। तो यही कहल गल कि बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। तो गुरु गणेश गुरु राम लाल बनिया है सदा सजाना स्वर्ग विराजे कविचंद का देकर ज्ञान खजाना जमाना कैसे कही है बेचन राम निवास का दुनिया लोहा माला।